भाई आज की डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की जो गाड़ियों का क्रेज बढ़ता जा रहा था ना, उसी सेगमेंट को टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स लेके आ चुका है एक नए सेगमेंट की गाड़ी। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ है टाटा मोटर्स की कर्व, जो कि एक कूपे एसयूवी है। अब भाई कूपे एसयूवी क्या होता है, जनरली आज से पहले इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो हमने लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियों में देखा था, लेकिन भाई टाटा कर्व के साथ फाइनली ये जो सेगमेंट है मास मार्केट के लिए अवेलेबल हो चुका है। एंड भाई एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और ब्रांड है जिसने कूपे एसयूवी लॉन्च करी है, जी हाँ सिट्रियन की बसाल्ट भी आज फाइनली लॉन्च हो चुकी है, जो कि 7.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली है। तो भाई अब मैं आपको बता दूँ, जो टाटा कर्व है वो हमारे पास आईस यानी कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वर्जन में भी मिलने वाली है। अब भाई पहले टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वर्जन इसका लॉन्च किया है, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 17.49 लाख रुपीज से। बाकी सारे वेरिएंट्स के प्राइसेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड भाई आज हमारे साथ है इसका आइस वर्जन, स्पेशली इसका डीजल वाला वेरियंट, तो डीजल के बारे में ही बात कर लेते हैं। अभी ये गाड़ी हालांकि लॉन्च नहीं हुई है, इसकी लॉन्च डेट रखी गई है 2nd ऑफ सितंबर, लेकिन भाई गाड़ी शोरूम में आना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टाटा कर्व डीजल के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं टाटा कर्व के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है टाटा कर्व डीजल की कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें डिटेल में, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है इसकी कंप्लीट फ्रंट ग्रिल। भाई इलेक्ट्रिक वर्जन के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको डिफरेंट फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक वर्जन में हमने देखा था क्लोज ग्रिल मिलती है, लेकिन यहाँ पर ग्रिल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंसर्ट्स मिल जाएंगे जो कि हमने हैरियर और सफारी वगैरह में देखे हैं। 2D आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। बाकी क्योंकि इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें DRS के बारे में, तो यहाँ पर आपको फुल कनेक्टेड LED DRS मिल जाएंगी, जहाँ पे वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन मिल जाता है। तो इस तरीके की एनिमेशन प्ले होती है जब भी आप कार को लॉक या अनलॉक करते हैं। तो नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं अगेन नेक्सॉन से ही इंस्पायर्ड, यहाँ पर आपको डुअल पर्पस टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो लाइक अभी आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स ऑन है, एंड ये टर्न इंडिकेटर्स बाद में DRS यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हेडलैम्प्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। तो ये आप हेडलैम्प असेंबली देख सकते हैं, सेम अगेन नेक्सॉन से इंस्पायर्ड, यहाँ पर आपको फंक्शनल एयर कर्टेंस मिल जाएंगे। LED आपको फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, जहाँ पे कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है, मीन्स जिस साइड आपका स्टेयरिंग टर्न होगा उस साइड के फॉग लैम्प्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, प्लस Level 2 ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है ADAS का मॉड्यूल, तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी नीटली ADAS के मॉड्यूल को फ्रंट बम्पर में इंटीग्रेट कर दिया है। तो जनरली हमने देखा है गाड़ियों में जो एयर डैम है वहाँ पे एक ब्लॉक टाइप का मिलता है जब भी ADAS मिलता है गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है एयर डैम को, प्लस जो ADAS का मॉड्यूल है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है फ्रंट बम्पर में। बाकी आप देख सकते हैं सिल्वर कलर फिनिशिंग में आपको स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, और चलिए बात कर लेते हैं अब साइड प्रोफाइल के बारे में। चलिए बात करते हैं अब साइड प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आप कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक देख सकते हैं टाटा कर्व की, 4.3 मीटर लेंथ मिल जाती है साइड प्रोफाइल में। बात करें व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस के मशीन का डुअल टोन फिनिशिंग में फ्लोरल पैटर्न के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। व्हील प्रोफाइल भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 215x55 R18 प्रोफाइल के आपको यहाँ पर व्हील्स मिल जाते हैं। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिशिंग में आपको व्हील आर क्लैडिंग मिलेगी, प्लस डोर के लोअर पोर्शन में आप देख सकते हैं कर्व की आपको 3D बैजिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें RBMs के बारे में, तो ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिशिंग में आपको RBMs मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ, प्लस यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, तो RBMs के नीचे आप कैमरा भी देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं विंडो फ्रेम के बेस पे ही आपको क्रोम की लाइनिंग मिलती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। नेक्स्ट बात करें डोर हैंडल्स के बारे में, तो ये हैं प्रीमियम फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में ये आप देख सकते हैं जो रनिंग बोर्ड है वहाँ पर भी ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिशिंग की साइड बेडिंग मिलेगी। टोटल 208 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, एंड रियर व्हील्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड भाई जो टाटा कर्व का सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है ये स्लोपिंग रूफ लाइन, एंड इसी को ही हम कूपे SUV बोलते हैं। तो ये आप कंप्लीट साइड प्रोफाइल में बेसिकली रियर प्रोफाइल वाला लुक चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये तो बात हुई कंप्लीट साइड प्रोफाइल के बारे में, और चलिए अब रियर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं।
चलिए बात करते हैं रेयर प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्लीट रेयर प्रोफाइल का लुक। भाई कूपे एसयूवीज में जो रूफ लाइन है वो आपको स्लोपिंग रूफ लाइन मिलती है। बाकी एक बार आपको मैं कंप्लीट रेयर प्रोफाइल चेकआउट करा देता हूँ। तो ये है टाटा कर्व का कंप्लीट रेयर प्रोफाइल। एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर मैंने आपको बता दिया शार्क फिन एंटीना मिलता है, स्पोर्टी स्पॉयलर मिल जाएगा। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं फुल कनेक्टेड एलईडी आपको टेल लाइट्स मिल जाएंगी, जहाँ पे वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली एक एनिमेशन प्ले होती है जैसे ही आप कार को लॉक या अनलॉक करते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं 2D लोगो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए कैमरा मिल जाएगा, बूट गेट पे कर्व की बैजिंग। एंड ये आप देख सकते हैं अगेन ब्लैक कलर के कुछ आपको इंसर्ट्स मिल जाएंगे, रिवर्स लैम्प रिफ्लेक्टर्स वगैरह सब मिल जाते हैं। रेयर बम्पर ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिशिंग में मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, सिल्वर कलर फिनिशिंग में स्किड प्लेट्स। तो ये तो बात हुई एक्सटीरियर्स के बारे में, और चलिए मैं आपको एक बार इसका बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पावर्ड टेलगेट मिलता है जेस्चर कंट्रोल के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बूट गेट इसका ओपन हो जाता है। एंड बूट स्पेस के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप 60-40 रेयर पैसेंजर स्प्लिट सीट्स देख सकते हैं, जिनको फोल्ड करके आप 973 लीटर्स तक का बूट स्पेस बना सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाएंगे, टोटल 4 हुक्स मिलते हैं दोनों तरफ 1-1 केजी के। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटी सी यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है दोनों तरफ। बाकी आप ये देख सकते हैं लगेज लैंप, ऊपर पार्सल ट्रे। और बात करें स्पेयर व्हील के बारे में, तो यहाँ पर आपको बेसिकली दो साइज़ छोटा स्पेयर व्हील मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं व्हील प्रोफाइल 215/65 R16। तो बेसिकली दो साइज़ छोटा स्पेयर व्हील मिलता है। JBL के आप स्पीकर देख सकते हैं सबवूफर, टोटल 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है। एंड इस तरीके से आप बूट गेट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक्सटीरियर्स के बारे में, और चलिए अब इंटीरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करें इंटीरियर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रीमियम फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये आपको लाइट मिल जाती है। एंड ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ आपको डोर्स मिल जाते हैं, ताकि आप आसानी से एंटर या एग्जिट कर पाएँ। बाकी बात करें सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर के बारे में, तो आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाती है ब्लैक एंड बरगंडी कलर की। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ORVMs को एडजस्ट करने के, चारों आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग में डोर ओपनर, ग्लॉसी फिनिशिंग में यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस, नीचे डोर पॉकेट्स मिल जाएंगी, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा JBL के, टोटल 9 स्पीकर सेटअप मिल जाता है। एंड ये है टाटा कर्व के अकम्प्लिस्ड यानी कि टॉप ऑफ द लाइन मॉडल का फ्रंट डैशबोर्ड, डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स के बारे में, तो अगेन आप देख सकते हैं बरगंडी कलर फिनिशिंग के यहाँ पर आपको सीट्स मिल जाएंगी, टोटल 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलेगी, यहाँ पे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों सीट्स आपको वेंटिलेशन के साथ मिलती हैं। तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं AC वेंट्स। एंड आज हमारे साथ मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरियंट है, तो आप देख सकते हैं 3 पैडल्स। तो चलिए अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं डिटेल में इंटीरियर्स के बारे में। और चलिए फाइनली बात कर लेते हैं अब टाटा कर्व के इंटीरियर्स के बारे में। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पे, एंड ये आप देख सकते हैं ये टॉप ऑफ द लाइन अकम्प्लिस्ड वेरिएंट का कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड। भाई अलग अलग पर्सोना में आपको अलग अलग कलर थीम के इंटीरियर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बरगंडी कलर के इंटीरियर्स मिलेंगे अकम्प्लिस्ड वेरिएंट में। नेक्स्ट बात करें की फॉब के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं यह की फॉब आपको नई की फॉब मिलती है, जिसके अंदर आपको कार को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बूट गेट को ओपन करने के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड हेडलैम्प के कंट्रोल मिलेंगे। एंड EV के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं की फॉब में टाटा का लोगो मिलता है। बाकी बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो आप देख सकते हैं हैरियर सफारी वाला 4-spoke आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जहाँ पे ये बरगंडी कलर के आप फिनिशिंग देख सकते हैं प्लस सिल्वर कलर के इंसर्ट्स मिल जाएंगे, एयरबैग की बैजिंग, टोटल 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। एंड जैसे ही आप कार का इग्निशन ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है, स्टीयरिंग व्हील इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम का टाटा का लोगो लिटअप हो जाता है जैसे ही आप कार का इग्निशन ऑन करते हैं। तो बाकी लेफ्ट हैंड साइड आप कंट्रोल देख सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कट एंड रिसीव, ब्लूटूथ वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट हैंड साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एडास के फीचर्स मिलते हैं आपको, टोटल 20 एडास के फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो MID मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स।
नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टैकोमीटर, राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर एंड मिडल में मिल जाती है MID, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस ड्राइवर असिस्ट, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, पावर एंड टॉर्क रिप्रेजेंटेशन, सर्विस रिमाइंडर, नेविगेशन आपको मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही, मीडिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन होगी कोई तो वो मिल जाएगी, बाकी डोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। नेक्स्ट बात करें इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो 12.3 इंच का आपको टच स्क्रीन फ्लोटिंग टाइप का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, AQI मिल जाता है यहाँ पर आपको, ये सारे आप विजेट्स देख सकते हैं। प्लस चलिए मैं आपको एक बार रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी, 3D मोड्स भी आपको मिल जाते हैं, बाकी आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट ऑल ओवर दी आपको डैशबोर्ड मिलेगी, सेंटर एसी वेंट्स बरगंडी कलर के यहाँ पर आपको फिनिशिंग मिल जाएगी डैशबोर्ड पे, एंड ये ग्लॉसी पैनल ऑलरेडी आपने अब टाटा की जितनी भी नई गाड़ियाँ आई हैं वहाँ पर देखा है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ये टेम्परेचर के लिए एंड ये फैन स्पीड के लिए, बाकी हैजार्ड लाइट, बूट गेट वगैरह को ओपन करना है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड यहाँ पे ये कैपेसिटिव टाइप का बटन मिल जाएगा। बाकी नीचे आप देख सकते हैं USB टाइप ए टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट प्लस 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट मिलेगा, एंड आज हमारे साथ मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो आप देख सकते हैं गियर ट्रांसमिशन लीवर, 6 स्पीड मैनुअल यूनिट मिलती है एंड 7 स्पीड DCA का भी आपको ऑप्शन मिलता है। 3 आपको ड्राइविंग मोड मिलेंगे, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इस तरीके से वॉइस अलर्ट भी आपको मिल जाएगी, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। उसके अलावा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स विद ऑटो होल्ड मिल जाएगा, वायरलेस फोन चार्जिंग, एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है विद लाइट्स, प्लस ये आप देख सकते हैं जो कप होल्डर्स वगैरह हैं वो नेक्सॉन में भी हमने देखा था ग्लव बॉक्स के अंदर मिलते हैं, टाइगर की यहाँ पर आपको एम्बोसिंग मिलेगी, तो इस तरीके का ही आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड सनशेड पे वैनिटी मिरर एंड ये सेंटर केबिन लाइट्स, LED लाइट्स मिलती हैं, ऑटो डिमिंग IRVM, ड्राइवर साइड सनशेड आपको सिंपल मिलता है, एंड भाई आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। तो ये तो बात हुई फ्रंट कैबिन के बारे में, और चलिए फ्रंट कैबिन से निकलकर एक बार मैं आपको रेयर पैसेंजर साइड कैबिन दिखा देता हूँ, और चलिए बात करते हैं रेयर पैसेंजर साइड कैबिन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डोर दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाएगी ब्लैक एंड बरगंडी कलर की, बाकी आप देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग में आपको डोर ओपनर मिल जाएगा, पावर विंडो के कंट्रोल्स, छोटी सी यूटिलिटी स्पेस, एंड ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है छोटा सा, नीचे आपको डोर पॉकेट्स मिल जाएंगी, JBL के स्पीकर्स, एंड ये आप देख सकते हैं ये है रेयर पैसेंजर कैबिन व्यू, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं रेयर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए, आर्मरेस्ट मिल जाएगा कप होल्डर्स के साथ, साइड एयरबैग्स ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी चलिए अंदर बैठते हैं और रेयर पैसेंजर कैबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वेंट्स मिल जाएंगे, USB टाइप ए टाइप सी के आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, बाकी आप देख सकते हैं फ्लोर हम भी नॉमिनल सा ही मिलता है, एंड रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, कोट हुक मिल जाता है, LED लाइट्स, एंड कुछ इस तरीके का लुक आता है फ्रंट डैशबोर्ड का रेयर पैसेंजर कैबिन से। एंड बात करें इंजन के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं यह है टाटा कर्व का डीजल इंजन, यहाँ पर आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो कि 118 PS की पावर एंड 260 NM का टॉर्क जनरेट करता है, 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 7 स्पीड DCA में भी आपको मिल जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो कैसी लगी आपको टाटा की कर्व नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड हाँ अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि मैं टाटा कर्व के सारे वेरिएंट्स की वीडियोस भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।